दोस्तों ऋतिक रोशन सैफ अली खान स्टारिंग फिल्म विक्रम वेदा जस्ट मैं अभी थिएटर से देख कर आ रहा हूँ। रात के 12:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बता दूँ कि 2017 में आई आर माधवन विजय सेतुपति स्टारिंग मूवी विक्रम वेदा का ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है। अरे बाबू भैया कंट्रोल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा फील होता है कि अगर कोई फिल्म उस लैंग्वेज में अवेलेबल है तो उसी लैंग्वेज में उसे फिर से क्यों बनाना, कोई सेंस नहीं है इस बात का। लेकिन ये सारी की सारी बातें वहाँ जाकर धरी की धरी रह जाती है जब एक बेस्ट रीमेक निकलता है, और विक्रम वेधा ऋतिक रोशन स्टारिंग की मूवी इस बात का बेस्ट एग्जांपल है। लोग तो आजकल वैसे भी रीमेक का नाम सुनते फिल्म को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बॉयकॉट गैंग मीना वहाँ जाकर धरा रह जाता है जब एक बेस्ट रीमेक निकलता है विक्रम वेधा की तरह। बहुत ही अच्छे से प्रॉपर रीमेक किया गया, हालांकि ओरिजिनल फिल्म की रन टाइम से इसका रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, जो मुझे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि ओरिजिनल फिल्म को ना मैंने 3-4 साल पहले देखा था। मैंने एज अ विक्रम वेधा को इस नई वाली को ऐसे एकदम नई फिल्म के हिसाब से देखा है, और ऋतिक रोशन भाई मुझे पूरी फिल्म में ऋतिक ही ऋतिक छाए हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अगर स्क्रीन स्पेस की बात करें ना तो सैफ को ऋतिक के मुकाबले ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है, लेकिन फिर भी जब भी ऋतिक आते हैं ना आपका इंटरेस्ट फिल्म में और ज़्यादा बढ़ जाता है। सैफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे ऐसे कॉप के रूप में। अब भाई आप एक रीमेक फिल्म बना रहे हो तो मेन फिल्म से आपका कंपैरिजन तो होना ही है। आर माधवन अगर मैं सैफ को कंपैरिजन करूँ ना तो मुझे तो आर माधवन की एक्टिंग ज़्यादा पसंद आई थी। सैफ भी अच्छे लगे ऐसे कोई डाउट नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आर माधवन मुझे बेटर लगे ऐसे कॉप के रूप में विक्रम वेधा के रूप में। और जहाँ तक बात है ऋतिक रोशन की, एज अ वेधा मैं कह सकता हूँ कि वो विजय सेतुपति को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुए हैं। उनके चेहरे पर जो एक कमीनेपन वाली स्माइल थी ना भाई, वो उनके कैरेक्टर को एक नई स्ट्रेंथ दे रही थी ताकि वो विजय सेतुपति को टक्कर दे पाएँ। वो उनका मुझे पसंद आया इस फिल्म में, है ना। सैफ और ऋतिक के अलावा इसमें राधिका आप्टे भी है जो सैफ की वाइफ के रोल में है। उनका रोल इतना बड़ा नहीं था, पर जितना भी था उन्होंने काफ़ी अच्छे से ढंग से इन्होंने प्रेजेंट किया अपने आप को एज उनकी वाइफ के रूप में। बाकी ओरिजिनल फिल्म से भी 2-3 कैरेक्टर्स को लिया गया है इस फिल्म में, तो उन्होंने भी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया है। सबसे बेस्ट बात जो विक्रम वेधा एक अच्छा रीमेक के रूप में उभर कर आई है ना, वो है इसके डायरेक्टर साहब, जो मियाँ बीवी की जोड़ी है ना, उन्होंने इस फिल्म को पूरा कमाल बना दिया है भाई। फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। स्पेशल जो उसका BGM है ना, वो तो भाई वरना फिल्म की शान को 4 चांद लगा दे रहा था। BGM बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और जो एल्कोहली वाला गाना है ना, वो गाना तो भाई ऋतिक का डांस के साथ थिएटर में सुनना मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। और ऋतिक का डांस मूव तो कितने ज़बरदस्त कोरियोग्राफी की गई है, पता नहीं किसने किया कोरियोग्राफ, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से उस डांस स्टेप को ऋतिक ने किया है, ब्रिलियंट। तो कुल मिलाकर विक्रम वेधा एक परफेक्ट और अच्छा रीमेक है। अगर आपने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है जो YouTube में अवेलेबल है, तो आपने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी बाय चांस गलती से नहीं देखी है तो आप इसे भी एक बार पहला मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर आप उस टाइप के लोग हैं जिसे बॉयकॉट करना ही है बॉलीवुड को, तो आपकी मर्जी है, बाकी आपकी पसंद है। आप ऋतिक और सैफ को देखना चाहते हैं या फिर आर माधवन या विजय सेतुपति को? बाकी मैं तो दोनों फिल्मों का फ़ैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं पर्सनल आपको ओपिनियन दूंगा ना, तो ओरिजिनल होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।